आज मैं आप लोगों को सूर्योदय बैंक का पासबुक बनाना दिखाएंगे, किस तरह से आप अपने सेंटर में पासबुक को बना पाएंगे। पासबुक पिन का नहीं बात कर रहा हूँ, पासबुक किस तरह से बना पाएंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी पासबुक को आप बना सकते हो। जैसे देखिए, ये पासबुक मेरा बना हुआ है और कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लीजिए, ये मेरा फ्रंट पेज का जो कवर पेज है उसका डिज़ाइन है। तो मैं दिखाऊँगा आप किस तरह से प्रिंट करेंगे। तो मेरे पास ये फोटो पेपर है, पेपर देख लीजिए फोटो पेपर कौन सा है। ये फोटो पेपर मेरे पास है 50 सीट का 135 GSM, ठीक है। ये पेपर ये है, थोड़ा सा पतला है लेकिन ग्लोसी है, बहुत ही ग्लोसी है, आप देख लीजिए इस तरफ। लेकिन कोई मार्कर मतलब कोई लोगो नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल जो आपका फोटोशॉप का मतलब पासपोर्ट फोटो पेपर है ये है, थोड़ा सा मोटा है, लेकिन इसके नीचे देखिए इस तरह का लोगो आएगा, लेकिन इस पेपर से प्रिंट नहीं कर पाएंगे। आपको इस तरह का पेपर लेना है, ठीक है। ये पेपर लेंगे, देखिए ये पीछे इसका नहीं है, पीछे एक तरफ ग्लोसी नहीं है, ये मैट है और एक तरफ ग्लोसी है। तो मेरे पास कैनन प्रिंटर है, इससे मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने प्रिंटर में डाल दिया, डालने के बाद आप क्या करेंगे, मैं अभी इस पेज को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देखिए मैं प्रिंट में दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कैनन सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको करना है पेपर में ग्लॉसी फोटो पेपर और इसको हाई कर देना। करने के बाद सेटिंग देख लीजिए, इसके बाद आपको प्रिंट देना है। तो देखिए मेरा प्रिंटर ने पेज को ले लिया, क्योंकि ये ग्लोसी दिया है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा प्रोस कर रहा हूँ। देखिए पेपर प्रिंट होके निकल रहा है मेरा, मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी पासबुक को अपने सेंटर में प्रिंट कर पाएंगे। पूरा पासबुक का प्रोसेस दिखाएंगे शुरू से लास्ट तक, किस तरह से पासबुक फिनिश होता है। तो देखिए ये प्रिंट होकर निकल रहा है मेरा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। देखिए परफेक्ट प्रिंट होकर निकल रहा है, देखिए ये परफेक्ट प्रिंट होकर निकला है। तो अब इसको क्या करना है, मुझे इसमें कटिंग करना होगा, ठीक है। करने के बाद मुझे अब इस पेज को प्रिंट करना है उसके उल्टा तरफ, कवर पेज के अंदर की तरफ। तो अब मैं क्या किया, इसको कट कर लिया, देखिए कट हो गया मेरा। तो अब ये जो ATM का निशान है ये नीचे तरफ करके हम इसको पिन के में डाल देंगे। तो पिन में डाला हुआ है, तो आप क्या करना है, इसको पेज करना है, कवर पेज के अंदर का पेज है ये। तो इसको हम पिंट देंगे, पिंट दे दिया। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी पासबुक को प्रिंट कर पाएंगे अपने सेंटर में।
अपने नॉर्मल प्रिंटर से कैनन का कोई भी कलर प्रिंटर से प्रिंट कर पाएंगे आप इस तरह से। ये कलर दिया है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको। देखिए प्रिंट होकर निकल रहा है। तो देखिए ये कवर पेज अंदर भी प्रिंट हो गया। अब इसको करना क्या है, आपको इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए फोल्ड हो गया, आपका पासबुक अभी कवर पेज रेडी हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए रेडी है। तो आप इसका काम क्या करना है, इसका अंदर का पेज बनाना है। अंदर का पेज बनाने के लिए उसका भी डिजाइन मेरे पास बना हुआ है। देखिए ये अंदर के फ्रंट पेज है ये, तो मैं इसको अभी प्रिंट दे रहा हूँ। तो इसमें आप ग्लोसी को हटा के नॉर्मल कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल करेंगे करके पिन देंगे। और इसमें क्या है, मेरा A4 साइज का नॉर्मल पेज है, A4 पेज का, और ओके कर दिया। अब देखिए ये फ्रंट पेज आया है, अब इसको पलटा के इसमें देना है क्योंकि इसके दूसरे तरफ भी प्रिंट होगा। तो इसके लिए भी फाइल मैंने बना रखा है, ये अलग फाइल है एक, ये इसको भी हम प्रिंट देंगे। देखिए आप इसको क्या करना है, इसमें कटिंग करना है। तो कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। देखिए आप इसको कटिंग कर लिया, अब इसको करना क्या करना है, फोल्ड करना है। तो इसको रख के इस धारी में फोल्ड कर लेना है। देखिए फोल्ड कर लिया, करने के बाद अब इसके अंदर आपको डालना है। देखिए आपका पेज देखिए रेडी हुआ, एक पेज हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से इसका अंदर का तीन पेज और बनाना है, इसी को प्रिंट करके तीन पेज बनाना है। तो मैं तीन पेज प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने तीनों पेज प्रिंट कर लिया। देखिए एक हो गया, इसका अंदर का भी है, पूरा है। तो अब इसको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा साइड से बड़ा है, इसको कटिंग कर लेंगे हम, सिलाई करने के बाद कटिंग कर लेंगे। आप स्टेबलर भी कर सकते हैं, आपके पास बड़ा वाला टेबलर है, छोटा वाला से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं आएगा आपको। सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो इस तरह का उसका गेटअप आएगा। देखिए सिलाई करेंगे तो इस तरह का गेटअप आएगा, देखिए। लेकिन प्रिंट में इस तरह का आपका नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम आपको सिलाई करके और कटिंग करके दिखाते हैं। आपको पासबुक सिलाई का प्रोसेस आप दिखाएंगे, जैसे एक पीस सिलाई हुआ है और दूसरा पीस सिलाई कैसे हो रहा है आप देख लीजिए। आप इस तरह से जो टेलर है उनके पास जाके ये पासबुक को सिलाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो इस तरह से सिलाई कर लीजिए। सिलाई करने के बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे, आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए एक पासबुक सिलाई हो गया, अब इसको कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह से ये हो रहा है। आप थोड़ा देख लीजिए, इस तरह से किसी भी बैंक का पासबुक का आपके सेंटर में आप बना पाएंगे। देखिए इस पासबुक का फोल्ड हो रहा है। पासबुक फोल्ड होने के बाद अब इसमें कुछ मार्जिन बचता है, इस मार्जिन को आप कटर से आपको काटना पड़ेगा। देखिए ये साइड से, देखिए ये साइड से मार्जिन दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, इसको आप कटिंग करेंगे, दिखाता है कटिंग किस तरह से होगा। देखिए ये पेपर कटर है, पेपर कटर से मार्जिन को आप किस तरह से छाटा जा रहा है आप थोड़ा देख लीजिए। आपके सेंटर से बहुत बढ़िया से किसी भी ब्रांच का, किसी भी बैंक का पासबुक को आप इस तरह से छाप पाएंगे।
तो देखिए पूरा मार्जिन को काट के हम आपको फाइनल पासबुक दिखाएंगे। तो देखिए ये पासबुक मार्जिन काटने के बाद आपका पासबुक बिल्कुल पासबुक के जैसे आपको दिख रहा है। तो देखिए पासबुक आप फाइनल पासबुक है ये।